राखी का फेस्टिवल हो और कोई अपने मायके को मिस ना कर रहा हो या फिर अपने बचपन की यादों में खो ना गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। राखी एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के जो रिलेशन है उसको हर साल एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है और साथ ही जो भाई बहन का जो रिश्ता है उसे रिन्यू कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। हाय, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू वुमेंस वर्ल्ड। वो जो सुबह का मोमेंट होता है ना, जिस समय हम लोग अपने भाइयों के लिए जो रक्षाबंधन का जो प्लेट जब रेडी करते हैं, वो मोमेंट ना बहुत स्पेशल होता है। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर ना हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। हम सभी जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं ना, हमने एक छत के नीचे इकट्ठा होते थे और सभी अपनी जो भाई बहन है सबको राखी बांधते थे, सेलिब्रेट करते थे, बहुत मज़ा आता था। साथ में कुकिंग किया करते थे, एक ही जगह जो कम्युनिटी है वो सारा का सारा हमारे अपने जो रिलेटिव्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हम सभी आपस में गैदरिंग करके किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, तो इस बार इस साल जो है थोड़ा सा रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना वो थोड़ा सा फीका पड़ गया है। बट आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि आप त्यौहार नहीं सेलिब्रेट कर सकते, आप कर सकते हो। खुद ही अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। आई होप आप सबों ने अपने अपने भाई को राखी भेज दी होगी और भाइयों ने अपनी सिस्टर्स के लिए ऑलरेडी जो गिफ्ट्स है वो भेज दिए होंगे। तो लाइक जो सिर्फ एक चीज़ वहाँ बच जाती है, भाई के हाथ में, भाई की कलाई में राखी बांधना। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। आप ऑनलाइन जा करके आप आराम से जो प्रोसीजर से वो कर सकते हो। राखी आप किसी अपने जो कज़न सिस्टर हो या कोई भी हो घर में वो बांध सकता है। इस साल जो रक्षाबंधन का जो योग बन रहा है या कह सकते हो से योग बन रहा है वो 29 ईयर्स के बाद बन रहा है। बहुत स्पेशल टाइम है। और इसके साथ ही पता है जो सबसे अच्छी बात है, जो पहले जो टाइम लिमिट मिला करती थी ना कि सुबह 7:30 ही निपटा दो, बांध दो, दो घंटे का ही मुहूर्त है और कुछ राहु बैठ गया या कुछ और हो गया, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, वैसा इस साल बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा टाइम है ना सुबह 9:20 से लेकर के रात के 9:15 तक है, तो आपके पास मोर देन 11.5 घंटे हैं। तो अच्छे से बनाइए अपना जो रक्षाबंधन है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, इन्जॉय कीजिए अपने हर एक मोमेंट को। जब हम राखी की बात करते हैं तो राखी मीन्स इट्सेल्फ अ फेस्टिवल। तो फेस्टिवल में आप रेडी ना हो, तैयार ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में मेरे पास सिंपल राखी आउटफिट आइडियाज़ हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है तो अब ऑफकोर्स कम्युनिटी सेलिब्रेशन तो होने वाला नहीं है ना, तो भाई जो भाई बहन रह रहे हैं उनके लिए नहीं, बट जो दूर हैं उनके लिए स्पेशली ये मौका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फीका फीका सा पड़ने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ज़रूर से ज़रूर तैयार होइए इस दिन खास करके, और बहुत अच्छे से तैयार होइए और इस फेस्टिवल को फुल ऑफ कलर्स के साथ इंजॉय कीजिए। बंधन हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, शॉपिंग तो मस्ट होता था, बट इस साल हमने कोई शॉपिंग नहीं करी है। जो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सालों से जो रखे हुए हैं ना आउटफिट्स, वही ट्राई करा है बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मेरे इस साल के राखी आउटफिट आइडियाज़। मैंने यहाँ पे पहली ड्रेस अपनी चूज़ करी है, ब्लैक अनारकली प्लाजो सेट। इसके साथ मैंने पेयर किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। दुपट्टा मैंने यहाँ पे सेपरेटली परचेज़ करा था। इसका लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वैसे तो मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ करा था, मगर सेम चीज़ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी बहुत बार देखी है अलग अलग वेबसाइट्स पर। ये बहुत प्रिटी लगता है, ये सिंपल जो ड्रेस है ये इट्सेल्फ भी बहुत प्रिटी लगता है, लेकिन फेस्टिवल है तो दुपट्टा ना कैरी करे ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा इसके साथ कैरी किया, जो कि टोटल जो लुक है उस पर एक एड ऑन सा दे देता है। मेरा नेक्स्ट ड्रेस है ये सिंपल ए लाइन कुर्ती एंड प्लाजो सेट। इसके साथ मैंने पेयर किया है बहुत ही अच्छा फूशा पिंक का दुपट्टा। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, फुल डे वेयर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है। और ये जो मेरा थर्ड आउटफिट है, इसमें मैंने क्रॉप टॉप और साथ ही इसके मैंने पेयर अप किया है ये स्कर्ट। ये स्कर्ट मेरी दूसरी कुर्ती सेट का ही स्कर्ट है, जो मुझे लगा कि मैं इस तरह से भी कैरी करूँगी तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जो कि लग भी रहा है। साथ ही मैंने पेयर किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सी जंग ज्वेलरी।
फोर्थ एंड लास्ट आउटफिट है, ये लैवेंडर कलर का है, एसिमेट्रिकल इसका हेमलाइन है, साथ में इसकी सिगरेट पैंट है, बहुत ही प्रिटी लगता है और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल भी है फुल डे वेयर के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो कह सकते हैं, या फिर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हो और हमारा काम अच्छा लग रहा है, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा जो बात करने का तरीका है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उसे बड़ी और बड़ी और बहुत बड़ी बनाने में मेरी मदद करे। तो यूं ही देखते रहिए मेरा वीडियो और अपडेटेड होते रहिए लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी रक्षाबंधन।